है पत्नी को गैर मर्द के साथ हमबिस्तर होते देख पति आपे से बाहर हो गया और उसने कुल्हाड़ी से पत्नी पत्नी के आशिक को काट दिया। अपने आशिक को मरता छोड़कर आवारा पत्नी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई। दरअसल आज सुबह आरोपी अब जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को राम सिंह के साथ हमबिस्तर होता देख जिसके बाद पति ने गुस्से में कुल्हाड़ी से राम सिंह को काट दिया। पत्नी को भी मारने की कोशिश की लेकिन वो भाग गई। उधर पुलिस को जैसे ही सुभाष नगर थाने की बीरिया नारायणपुर में एक हत्या की खबर मिली वैसे ही पुलिस लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उधर मकतूल के पिता ने अवैध संबंध की बात को सिरे से नकारते हुए 20,000 रुपए छीनने के लिए कत्ल किए जाने का आरोप लगाया है। अब क्या क्या घटना हुई? कोई घटना जाई है, ये पैसा मेरे सालों ने दिए थे, आए गए उनसे अपने गांव से, कई लोग ये काशकारी में लगाई और मेरी हर समय भीड़ भारी करे रहे थे, आगे पीछे दे चुके हैं कई, एक दफे पैसा कितने रुपए दिए? 20,000 रुपए दिए, 20,000 में मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं है, भाव लौड़ा को दे जाए मेरे, मैं लौड़ा जेब में धरे और उमर रोड पर ठालो सीसी रोड पर, और सीसी रोड पर लोग देख रहे हैं भाई, जो मान बारे का मालूम है कि मेरे लौड़ा खा लेंगे। नहीं, पुलिस का कहना है कि आपत्तिजनक हालत में पत्नी के संग उसकी देखा तो उसने गुस्से में काट डाला। ना 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 कुछ नहीं था, ये मेरे पैसा लेके गए लौड़ा को, ये मेरे लौड़ा को पैसा लेके चले गए, मेरे लौड़ा ने कुछ ना ना कहो प्याऊ ना गवाऊ ना ज्वारी ना ढंडारी ना। एसपी सिटी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि अवैध संबंधों में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। सर, एक सुभाष नगर में मर्डर हुआ है, क्या मामला है? थाना सुभाष नगर में एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसमें ये पाया गया कि जो मृतक था उसका एक महिला से अवैध संबंध था और उसके पति जब घर पर गया और उसने उस महिला अपनी पत्नी के साथ उस व्यक्ति को सोते हुए देखा तो उसने कुल्हाड़ी से मौके पर ही उसको मार दिया। पुलिस के द्वारा कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है, मुकदमा लिखा गया है और जो पति और पत्नी है दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।